वेलकम स्टूडेंट्स सर, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम्स किस तरह होते हैं, वीयू का एग्जाम का सॉफ्टवेयर किस तरह होता है, आपने किस तरह उसमें पेपर सॉल्व करना है, ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में। एट द एंड तक देखिएगा तो आपको पेपर देने का तरीका आ जाएगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो यकीनन थोड़े से इस हवाले से लेकर परेशान होंगे कि उन्होंने जाके पेपर किस तरह करना है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आपने क्या करना है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो उम्मीद है कि आपने डेट शीट बना ली होगी। अगर डेट शीट अभी तक नहीं बनाई तो फिर आप इसी के ऊपर एक वीडियो है हमारी, ये आप देख सकते हैं, इसको देख के आप वीडियो बना डेट शीट अपनी बना लेंगे, क्योंकि डेट शीट ड्यू डेट के अंदर अंदर बनानी ज़रूरी होती है। आप डेट शीट नहीं बनाएंगे तो आप पेपर में शामिल नहीं हो सकते और आपका सेमेस्टर वेस्ट हो सकता है। तो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम में जाने के लिए वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी जो एग्ज़ाम की स्लिप है उसको रेडी कर लें डेट शीट बना के। आप उसको प्रिंट भी ले सकते हैं, कैंपस से भी मिल जाएगा, आप कहीं से भी लॉग इन करवा के इसका प्रिंट ले सकते हैं, किसी भी फ़ोटो कापी वाली शॉप से या जहाँ पर भी आपको सहूलत हो। दूसरी चीज़ होती है इसमें स्टूडेंट कार्ड, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया जाता है, वो आप लाजमी अपने पास रखेंगे। अगर वो आपको नहीं मिलता तो फिर आपने अपना CNIC लाजमी साथ लेके जाना है। पेंसिल एक लाजमी रख लें साथ और मास्क भी अपने साथ लाजमी रख लें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो CNIC और स्टूडेंट कार्ड में दोनों चीज़ों में से एक आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो जब आप जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर में तो आपकी ये होता है कि वहाँ पे जो भी एग्ज़ाम सेंटर है उसके बाहर नोटिस बोर्ड के ऊपर आपका एक ना एक सिटिंग प्लान लगा होता है, वहाँ पे आपका ID लिखा होता है, वहाँ पे आपका PC नंबर लिखा होता है। आपने उसको देख के सिंपली जाके अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ जाना है और कंप्यूटर आपके वहाँ पे रेडी होंगे, आपको चलाना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। वो सारे का सारा इंतज़ाम कैंपस वालों ने करना होता है। आपको बस स्टूडेंट पूछते हैं क्या हम अपना लैपटॉप लेके जाएंगे, आपने कुछ नहीं लेके जाना, आपने ये चीज़ें साथ लेके जानी है अपने। तो जैसे ही आपका टाइम होगा तो इस तरह का स्क्रीन आपके सामने होगी, मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी और इसमें आपने पासवर्ड लगाना होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम आपका जो है वो LMS ID होता है और पासवर्ड आपकी स्लिप के ऊपर आ जाता है, जो आपको स्लिप मिलती है उसके ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा होता है, वो आपने इंटर करना है और इसको फिर आपने लॉग इन कर देना है। इस तरह का एक पेज होगा जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, आपने उसको पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन अभी ये यहाँ पे, ठीक है जी, इसको आप पढ़ेंगे और देख लेंगे कि आपने क्या उसको पढ़ना है। शुरू वाले पेपर में आप एक दफ़ा लाजमी पढ़ लें, उसके बाद नेक्स्ट पेपर्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसको आपने चेक करना है, इस बॉक्स को इसके अंदर आप चेक करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट पेपर कर देंगे। ये याद रखिएगा जो आपका टाइम होता है आप लॉग इन करते हैं मिड टर्म, तो ये टाइम जो है ना ये स्टार्ट हो जाता है। अब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा, यहाँ पे इस एरिया में आपका पेपर शो हो रहा होगा, उसका कोड होगा, उसका नाम होगा, यहाँ पे टाइमर चल रहा है दरमियान में बिल्कुल आपके, और यहाँ पे आपका जो लॉगिन टाइम है कि आपने किस टाइम पे लॉगिन किया वो लिखा होता है, यहाँ पे आपका नाम है, यहाँ पे आपकी तस्वीर शो हो रही होगी। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन है टोटल 1 से लेकर 26 तक हैं, ये आपको नज़र आएंगे। इसी तरह बिल्कुल सेम स्क्रीन आपको वहाँ पे पेपर में नज़र आनी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे आपके 4 ऑप्शन होंगे, आप में से कोई भी इसमें से सेलेक्ट करना जो ठीक होगा और फिर आपने क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ये आपको ये चीज़ें समझा दूँ। ये टोटल क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पे समरी, आप इसको क्लिक कर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ये ओपन हो रहा है, आप इस तरह बराह रास्त किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे क्लिक करके उसके ऊपर भी जा सकते हैं और यहाँ पे जो बटन है आप यहाँ पे आ जाएं,
इस बटन को आपने क्लिक नहीं करना, ये जब आप बिल्कुल लास्ट पे पेपर ख़त्म कर देंगे तो फिर आपने इसको फिनिश करना है। अच्छा, ये बटन है, चार बटन है आपके, ये फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएगा। अभी हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर हमारे 12 आ रहा है, अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये पहले पे आ जाएगा, इसके बाद ये लास्ट पे आ जाएगा, 26 पे चला जाएगा। ये जो बटन है ये एक एक करके आगे जाएंगे, ठीक है, इनसे आप बिल्कुल या उस तरफ 26 पे चले जाएंगे और या फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो 1 पे आ जाएंगे। इनके जो ये दोनों बटन है एक एक क्वेश्चन आगे जाएंगे। अब इस वक्त 12वां नंबर शो हो रहा है क्वेश्चन का, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखें, अब इसको सॉल्व किस तरह करना है। क्वेश्चन लिखा है व्हाइट एरिया इन सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड, व्हाइट एरिया डॉक्यूमेंट्स के सेंटर में क्या कहलाता है, फाइल, टेक्स्ट एरिया, पेज या नॉन, ये होता है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक किया आप देखेंगे ये जो बटन थे ये सारे के सारे डिम हो गए हैं, और अब क्या होगा कि जब तक आप इसको सेव नहीं करेंगे आप अगले क्वेश्चन के ऊपर नहीं जा सकते। अब ये देखेंगे ये भी डिम हो गया, डिसेबल हो गया, ये बटन भी डिसेबल हो गए, और आपने अब इसको लाजमी सेलेक्ट करना है, ये ओके कर दिया। एक चीज़ जो अभी पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, टोटल 27 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज, और इसमें से आपको 22 करने हैं मैक्सिमम। आप कोशिश करेंगे जो आता है आपको वही उनमें से ही 22 करें, क्योंकि जब आप एक दफ़ा किसी को भी क्लिक कर लेते हैं तो फिर आप उसको अनचेक नहीं कर सकते, आपने उसको लाजमी करना होता है, इसलिए बेस्ट चूज़ करें आप 27 में से 22 एमसीक्यूज जो सही लगते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई मुश्किल से एमसीक्यूज हैं तो फिर उसकी तरफ जाएं। पहले आसान कोई भी आपको आसान एक एक करके चेक करते जाएं और आगे चलते जाएं, जो भी आपको सही लगता है वो आप उसको सेव करते जाएं और इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते जाएं। अब हम एक पे चले जाते हैं और स्टार्ट से बताता हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी, फास्ट रिजल्ट। अब इसमें क्या होगा जी, इसमें सेफ्टी नहीं होती, ठीक है, अब हमने इसको कर लिया। फर्ज करें अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरे पे, अगर ये हमें नहीं आता तो हम ये नहीं करेंगे कि इसको चेक कर दिया लेकिन फिर आगे जाएं। अगर नहीं आता तो आपने इसको छेड़ना ही नहीं है, छेड़ने के बगैर ही आपने इसको आगे चले जाना है। देखें कि एक को हमने सॉल्व कर लिया, जो सॉल्व करते जाएंगे वो ग्रीन होते जाएंगे और करंटली जिस पोजीशन पे होंगे, जिस क्वेश्चन पे होंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब थर्ड है माउस, इस आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, टच डिवाइस, ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है, इसको हमने सेव कर लिया। इस तरह आपने एक एक करके आगे चेक करते जाना है, और जो नहीं आता, जब उस वक्त आपके जहन में नहीं उसका जवाब आ रहा तो आपने उसको बगैर चेक किए हुए, बगैर उसको टच किए, बगैर उसका आंसर दिए हुए, क्लिक किए हुए नेक्स्ट पे चले जाना है। इस तरह आप सारे क्वेश्चन चले जाते हैं। अब आ जाएं जो पोर्शन होता है लिखने वाला पोर्शन, ये तो एमसीक्यूज हैं। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में चले जाते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बिल्कुल लास्ट में आपके होते हैं, 26 पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है जी, इसका यहाँ से आपने देख लेना है क्वेश्चंस को, क्वेश्चन को देखने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने आंसर लिखना है इसका, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो आंसर लिखना है उसको आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर में आपके एमएस वर्ड भी होगा, ठीक है, वर्ड में आप लिखेंगे। वर्ड में लिखने का ये फायदा होता है कि आप की जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक नहीं होती। दिस मैं अभी अपडेट होने वाला तो ये बता नहीं रहा, नहीं तो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है अपडेटेड ऑफिस वो आपकी स्पेलिंग को भी बता देता है कि आपने गलत लिखा है सही लिखा है, ठीक है। तो आपने स्पेलिंग को बिल्कुल सही करके यहाँ से कॉपी करके चेक लिए, ज़्यादा बेहतर होता है कि आप उसको वर्ड में लिख लें और वहाँ से
देखिए ना, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया ना, तो ठीक है, अब हमें ऐसा लगा कि ये ऐसा ठीक है और हमें इसको सेव कर लिया। अगर हम चाहते हैं कि इसको दोबारा से ना रिव्यू कर लें, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको ना आप क्लिक कर देंगे, फ्लैग हो जाएगा ये, और इसके बाद हम दोबारा जब आएंगे इसके ऊपर, तो फिर हमें पता होगा कि हमने इसको ना दोबारा से रिव्यू करना है। और वो देखें ना, इसका रंग चेंज हो गया 22वें का, ये ग्रीन हो गए, ये येलो हो रहा है जिसके ऊपर करंट है और जिसके ऊपर हमने फ्लैग किया है, ठीक है, वो हो गया येलो। तो हम अब इसका मतलब है कि हमने दोबारा से जाके ना इसको दोबारा से करना है, हम इसके ऊपर दोबारा से आ जाएंगे और वही क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अब देख, क्योंकि जो फ्लैग करने का मतलब होता है कि आपने आधा किया है, लेकिन आधा दोबारा से आके उसको करेक्ट करेंगे, ठीक करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे जो बॉक्स है, आपकी समरी है, वहाँ पे चेंज होता जा रहा है। ग्रीन का मतलब है कि आपने सॉल्व कर लिया, येलो का मतलब है कि आप करंटली उस क्वेश्चन के ऊपर हैं लेकिन अभी सॉल्व नहीं किया। उसके बाद ये जो मैजेंटा कलर है, ब्लू टाइप, इसका मतलब है कि आपने उसको किया तो है लेकिन आपने उसको जाके रिव्यू करना है। ठीक है, ये समझ आ गई आपको। यहाँ से हम इसको ख़त्म करते हैं, फिनिश एग्ज़ाम होगा, इसको चेक करना है और फिनिश। उसके बाद एक आखिरी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा और ये थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।